कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद तेल बाजारों की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद तेल बाजारों में सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडा पोर्ट पे क्या स्थिति है, किस तरीके से लोकल बाजारों के भाव, विदेशी बाजारों की क्या स्थिति है, KLC में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी, साथ ही साथ गेहूँ, चना, अरहर, मूंग के बारे में जानकारी, शुगर बाजार में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरुआत कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। एडमिल आयल की अगर हम बात करेंगे तो लोकल बाजारों से शुरुआत करते हैं, फिर कुछ विदेशी बाजारों की चर्चा करेंगे। अगर लोकल बाजारों की बात करें तो सोया ऑयल का बाजार 98 रुपये, पामोलिन का बाजार 92 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 90 रुपये के आसपास बाजारों में कामकाज देखा गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 118 रुपये, इसमें 4 रुपये किलो की गिरावट रही। सोयाबीन सीड का बाजार 4750 से 4760 रुपये के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजारों में आपने देखा बाजारों में गिरावट क्यों आई, उसका रीज़न आपको बता देते हैं। गिरावट में जो आई है उसका मेन रीज़न है जो आपने देखा हाफेड जो हरियाणा की में सरसों की बिकवाली करने के लिए उन्होंने कदम उठाया। 29 तारीख से सरसों की वहां पर बिकवाली होगी, क्योंकि हाफेड की जो खबर आ रही थी उसमें बड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन अभी हाफेड 29 तारीख को अपनी बिकवाली स्टार्ट करेगा, कल से उनकी बिकवाली स्टार्ट होगी। तो वहां पर बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में एक जो सरसों में जो लगातार एक तरफा तेजी, एक शॉर्टेज की स्थिति बनी हुई है। तो सरकार आप लोगों को मालूम है खरीदारी करके चलती है हाफेड में, और नाफेड में तो वो सरकार समय समय पर उसकी बिकवाली करती है। वो अगर बिकवाली करेगी तो बाजारों में आपको यहाँ से पोजिशन आपको एक डिप होता हुआ बाजारों में नजर आएगा। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। मार्केट पर किस तरीके से रणनीति अपनाएंगे, किस तरीके से आप सेल परचेस करेंगे, सारी जानकारी आपको वहाँ पर विस्तार रूप से दी जाती है। तो ये तो जानकारी आपको लोकल बाजारों के बारे में बताया। पाम ऑयल में लगातार आप देख रहे हैं बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। जून में इंडोनेशिया में कई CPO के एक्सपोर्ट ड्यूटी जो $142 है, जो अभी उसमें $50 की कमी करने के संकेत हमारे पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मलेशिया में लगातार पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ रहा है, इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है। इस कारण KLC फंड में लगातार आप देख रहे हैं बाजारों में एक रेंज बाउंड नीचे में 3700 ऊपर में 4000 रिंगिट, इसी रेंज में ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय अगर बाजारों की बात करें तो भारतीय बाजारों में इलेक्शन एक खत्म होने की कगार पर है। सरकार आगे आने वाले समय में चाहती है कि बहुत ज़्यादा सरकार में महंगाई की चिंता बनी हुई है, बहुत ज़्यादा बाजारों में तेजी ना हो, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो आप बाजारों में वहाँ पर गवर्नमेंट वहाँ पर अपना निर्णय ले सकती है। अगर हम बात करेंगे तो आपने देखा भी होगा कि ऑलरेडी बाजारों में अभी मस्टर्ड ऑयल में ज़बरदस्त तेजी आई है, उस पर अंकुश लगाने के लिए नेफेड हाफेड अगर पिकवाली करेगा तो बाजारों में करेक्शन अभी आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 876 रुपये, फॉरवर्ड में 856 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। पामोलिन का बाजार 905 रुपये, सोया रिफाइंड का बाजार 940 रुपये पे कामकाज रहा। सोया डिगम की अगर बात करें तो 865 रुपये, फॉरवर्ड में 850 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 945 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है न्यूज़ मार्केट 24 ने आप बाइंग की सलाह दी थी, चने में बाइंग की सलाह दी थी 5600 रुपये के लेवल से, वहाँ से 7000 रुपये के आपको लेवल दिए, फिर एक नया 7500 रुपये का लेवल दिया। तो बाजारों में चने की फसल इस बार कम देखी गई, उसके वजह से चने में आपने देखा जो MSP से 35% महंगा होता हुआ नजर आया। इस कारण सरकार को 1,00,000 टन का टारगेट MSP पर 40,000 टन ही सिर्फ मिला है। सरकार अब चने में आने वाले समय में स्टॉक लिमिट लगाने की चर्चा कर रही है, तो स्टॉक लिमिट लगेगी तो बाजारों की क्या दशा होगी, इसके लिए विस्तार में आपको जानना है, इसकी रणनीति जाननी है। तो मॉर्निंग 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, डायरेक्ट यूट्यूब पर भी जिसको ज्वाइन होना हो एक ज्वाइन का बटन दिया जाता है, वहां पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं KLC क्या स्थिति है। जैसे कि कल आपको मालूम है सीबॉट का बाजार बंद ही था, तो सीबॉट पर कोई खास कामकाज हुआ नहीं। KLC कल -14 रिंगिट घट के बाजार बंद हुआ। आज KLC सुबह 68 रिंगिट प्लस खुली है, अभी 86 रिंगिट प्लस बाजारों में कामकाज हो रहा है। इसके हिसाब से लगभग आप देखेंगे 1.5 से 2 रुपये किलो की तेजी पामोलिन में पोर्ट के भाव में देखने के लिए KLC के हिसाब से मिल रही है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सोया ऑयल में किस तरीके से बाजारों में आप रणनीति अपनाएंगे।
तो सोया ऑयल में है सपोर्ट का लेवल 97 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपये है। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपये है। राइस ब्रान की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 89 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 91 रुपये है। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6250 रुपये है। सोयाबीन की अगर हम सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपये पर बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो 4850 रुपये आपने देखा कि सोयाबीन में क्या किस तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ बाजारों में नज़र आ रहा है। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास आप खरीदारी करिए और रेजिस्टेंस के आसपास आप मुनाफा वसूली करके आप चल सकते हैं। तो ये तो आपको मार्केट का हमने व्यू बताया। अब अगर हम बात करेंगे चने में एक तरफा तेजी के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नज़र आया है। जैसे कि कल की अगर हम बात करेंगे कल चने में क्या रणनीति रही, कल बाजारों में क्या स्थिति रही, तो कल में अगर चने की अगर हम बात करेंगे तो चने का बाजार 7350 का हाई लगाया, 7325 पे 25 रुपये घट के बाजार बंद हुआ। बाजारों में धुआंधार तेजी देखी गई है, लगभग 35% की तेजी आ गई है। एमपी लाइन में भी बाजारों में देखी गई। अगर हम बात करेंगे सरसों की अगर हम बात करेंगे तो सरसों में कल आपने देखा था दिन में सुबह गिरावट थी, लेकिन उसके बाद बाजार जब बंद हुआ तो भरतपुर जयपुर सरसों में 90 से 100 रुपये टाइट होकर बाजार बंद हुआ। जयपुर सरसों का बाजार भी 25 रुपये बढ़ के बाजार बंद होता हुआ नजर आया। गेहूँ का बाजार आपने देखा है कि ऑलरेडी 2600 रुपये पे कामकाज रहा, गेहूँ में एक जबरदस्त उछाल आता हुआ बाजारों में दिखाई दिया है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आप हमको चाहे YouTube पे देख रहे हो चाहे Facebook पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी जब भी हमारे यहाँ से निकले तो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो ये तो जानकारी हमने आपको बता दी किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से आप रणनीति बना के बाजारों में कामकाज करेंगे। तो भरतपुर सरसों का बाजार कल का 5800 रुपये, 89 रुपये तेज, दिल्ली सरसों 50 रुपये तेज बाजार बंद हुआ। चने का हमने ऑलरेडी आपको भाव बता दिया, सलोनी सरसों 6600 रुपये के आसपास बाजारों में बंद होता हुआ बाजारों में दिखाई दिया है। अब जान लेते हैं कि किस तरीके से अगर हम देखेंगे और कल मलेशिया में MPOB की एक रिपोर्ट आई, मलेशिया में पाम ऑयल तेल मई की स्टॉक में की तुलना में लगभग 2 लाख टन के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया है। तो मई के अंत में स्टॉक 19 लाख टन हो सकता है, तो इसका प्रेशर भी आपको बाजारों में देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आपको किसी प्रकार के रेट्स की जानकारी जाननी है तो AB Live का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, अभी जाके आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपर वे में, अथेंटिकेट सही और सटीक जानकारी रेट की जानकारी के लिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी जानकारी हमने आपको दी किस तरीके से खाद तेल बाजारों में कामकाज रहा, कल की क्या रणनीति रही, कल किस तरीके से भाव रहे। अब मार्केट के व्यू और लेवल आपको जानने हैं तो मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात कर लेते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ एक नए सेशन में। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर एडवाइज़र ब्रोकर अपने निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।